जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी लोगों का मेरे वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये देखिए कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर था विक्रम, वो चांद पे कदम रख चुका है। चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश पहले ही बन चुका है। चांद पर पहुंचने के बाद अब सूरज की बारी है। इसके लिए भी इसरो के वैज्ञानिकों ने तैयारी कर ली है। सितंबर में सूरज तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। तो आप ये देखिए, सूर्य की निगरानी के लिए भेजे जा रहे इस उपग्रह के सभी पेलोड, पेलोड का मतलब होता है उपकरण, का परीक्षण पूरा कर लिया गया है और इसका रिव्यू भी हो चुका है और सब कुछ ठीक है। और इसकी जो लॉन्चिंग है ना, वो 2 सितंबर सुबह 11:50 के ऊपर होगी। आदित्य L1 से सोलर कोरोनल इंजेक्शन यानी सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाली लपटों का एनालिसिस किया जाएगा। ये लपटें हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क व पृथ्वी पर होने वाली इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। सूर्य को जानने के लिए दुनिया भर से अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, स्पेस एजेंसियों ने कुल मिला के 22 मिशन भेजे। सबसे ज़्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे। तो नासा ने पहला सूर्य मिशन जो पायोनियर 5 है, साल 1960 में भेजा था। जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ ही मिलकर भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। तो ये आदित्य L1 है, ये सूर्य मिशन है। अच्छा, आप ये देखिए कि आदित्य L1 जो है ना, इसकी जो मिशन है ये सूरज की ताकत का पता लगाना इसका पहला काम है। इसकी लॉन्चिंग है 2 सितंबर 2023 सुबह 11:50 पे। और इसके ऊपर जो खर्च आया है इसरो का, वो आया है 378 करोड़ रुपये अप्रोक्सीमेटेड टेंटेटिव। इसके अलावा पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है ना, वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य किरणों को धरती पे पहुंचने में करीब 8 मिनट का समय लगता है। तो जहां पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा उस जगह को L1 बिंदु कहते हैं। ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। ये ऐसी जगह है जहां पर क्या होता है कि सूरज की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो करीब करीब बराबरी लगती है उस जगह पर। उस जगह को ये कहते हैं L1, ठीक है। L1 जगह में क्या होता है कि जब धरती भी उसको अपने साइड में खींचेगी और सूरज भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करेगा, तो वो उस जगह पे जाकर के सैटेलाइट अटक जाएगी और अटकने से वो अर्थ के साथ चारों ओर जो है वो सूरज के चक्कर काटेगी। तो आप देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर अभी एक पॉपअप होकर आएगी, एक बच्ची आएगी जो कि एक बॉल को अपने चारों तरफ एक रोप बंधी हुई बॉल को घुमा रही है। वो जो घुमाना है, जो उसको फोर्स लगा रही है, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है दरअसल, ठीक है ना। अर्थ के साथ अटक के और सूरज के अटक के चारों तरफ घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा, ये एक ऐसी जगह है जहां ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज हर वक्त दिखेगा। ये एक ऐसी जगह भी है जहां पर कोई ग्रहण होगा ही नहीं, कोई मतलब प्लैनेट दूसरा मर्क्यूरी है, वीनस है, ये कोई भी इस जगह पर नहीं आते जिससे सूरज के ऊपर ग्रहण लग जाएगा या कुछ लग जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल बढ़िया जगह है सैटेलाइट को स्टेबल करने के लिए। अच्छा, आदित्य L1 LMV M3 रॉकेट से लॉन्च होगा और अंडाकार कक्ष में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ेगा। जैसे कि आपने देखा था कि चांद पे भी हम गए थे तो धरती के चारों ओर पहले उसने चक्कर लगाया, उसके बाद में जहां जाकर के चांद की तरफ चक्कर लगाया और फिर लैंड हुई, वैसे ही धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और उसके बाद में L1 में जाकर के सेटेलाइट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लॉन्च के 4 महीने बाद ये उपग्रह Lagrange Point 1 यानी L1 के समीप होलो ऑर्बिट में तैनात होगा और सूरज की स्टडी करेगा। इस L1 जो एक जगह है ना, इसको होलो ऑर्बिट भी कहते हैं। ये एक वो जगह है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहां पर दोनों की ग्रेविटी करीब करीब एक जैसी ही लगती है और ये बिल्कुल बढ़िया जगह है सेटेलाइट को प्लेस करने के लिए। आदित्य L1 में सूरज की स्टडी करने के लिए 7 इक्विपमेंट लगाए गए हैं। अब ये 7ों इक्विपमेंट के जो काम है ना, वो बिल्कुल अलग अलग है। इन 7 में से 4 इक्विपमेंट सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली ऊर्जित कणों का एनालिसिस करेंगे और 2 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अब ये 2 सवाल क्या हैं कि आखिर ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह फंस जाते हैं, और दूसरा सूर्य के किनारों पर किस तरह कोरोनल इंजेक्शन हो रहा है और उसकी तीव्रता क्या है। तो ये बेसिकली इसके उपकरण हैं। अब मैं आप लोगों के इसके एक एक उपकरण की जो क्वालिटी है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो आप ये देखिए, इसरो के सूर्ययान यानी आदित्य L1 के पास सूरज की स्टडी करने के लिए 7 पेलोड्स हैं। 7ों पेलोड्स में पापा भी शामिल है। 7ों पेलोड्स मिलकर सूरज की क्या स्टडी करेंगे, किस तरह से सूरज के राज खोलेंगे, क्या सूरज की गर्मी से जलकर खत्म हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि क्या होगा सूर्ययान का सूरज के सामने। तो आप ये देखिए, सबसे पहला पेलोड जो है वो है VELC यानी विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। इस स्पेसक्राफ्ट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस पेलोड में लगा कैमरा सूरज के हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा, साथ ही स्पेक्ट्रोस्कोपी और पेलियोमेट्री भी करेगा।
नंबर दो के ऊपर है पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। कितनी गर्मी है इन हवाओं में इसका पता करेगा, साथ ही चार्ज कणों यानी आयन्स के वजन का भी पता लगाएगा। उसके बाद आता है सूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। यह एक अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है। यह सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की तस्वीरें लेगा, साथ ही सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें लेगा, यानी नैरो और ब्रॉडबैंड इमेजिंग होगी। इसके बाद में आता है SOLEXS यानी सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सूरज से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों की स्टडी करेगा, साथ ही सूरज से निकलने वाली सौर लहरों का भी यह अध्ययन करेगा। इसके बाद में आता है HEL-1OS यानी हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा यानी सौर लहरों से निकलने वाली हार्ड एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। फिर आता है ASPEX यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें दो सब पेलोड हैं। पहला स्विस यानी सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर, जो कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है। यह सूरज की हवाओं में आने वाले प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल की स्टडी करेगा। दूसरा स्टेप्स यानी सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। यह सौर हवाओं में आने वाले ज़्यादा ऊर्जा वाले आयन्स की स्टडी करेगा। इसके बाद में आता है मैग, एडवांस ट्राई एक्सियल हार्ड रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। यह सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा, साथ ही धरती और सूरज के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टडी करेगा। इनमें दो मैग्नेटिक सेंसर्स के दो सेट हैं। यह सूर्ययान के प्रमुख शरीर से 3 मीटर आगे निकले रहेंगे। तो ये इसके पेलोड्स हैं जो इसके ऊपर लगे रहेंगे। अब मैं आप लोगों को सूरज के बारे में समझा देता हूँ कि सूरज की लेयर्स क्या हैं, सूरज में क्या क्या है, तो आपको हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए मेरे स्क्रीन पर जो आप लोगों को दिख रहा है ये है सूरज। नंबर वन के ऊपर जो आता है कोरोना, सबसे ऊपर का जो पॉइंट है उसके ऊपर आता है कोरोना। सूरज की जो दूसरी लेयर आती है वो है क्रोमोस्फेयर। पहली जो लेयर है वो है कोरोना, दूसरी लेयर है क्रोमोस्फेयर, तीसरी लेयर है वो है फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर, चौथी लेयर है वो है कन्वेक्शन जोन, पांचवी जो लेयर है वो है रेडिएशन जोन, और आखिरी जो है जो बीच का पार्ट है उसको कहते हैं कोर। अब सूरज के अंदर क्या होता है, कई जगह जो है ना काले काले धब्बे होते हैं, उनको हम ब्लैक स्पॉट्स भी कहते हैं। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर सब कुछ नजर आ जाएगा, ब्लैक स्पॉट्स भी कहते हैं। तो ये दरअसल पूरा सूरज इन चीज़ों से बना हुआ है। अच्छा, सूरज की जो सतह है ना वो दरअसल हार्ड नहीं है, वो है प्लाज्मा के शेप में। जब ब्लड होता है, कफ होता है ना, तो वो प्लाज्मा जो होता है उसकी सतह उस तरीके की है, लिसली सी। तो ये है पूरा सूरज, और इसी की ही जाँच को लेकर के आदित्य L1 जो है वो 2 सितंबर 11:50 के ऊपर लॉन्च होगा। अब ये कब तक पहुंचेगा, कितने साल तक रुकेगा, ये जैसे ही मेरे पास कुछ आता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो आज के मेरे वीडियो के अंदर इतना ही। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, नहीं तो उसके बिना आपको मेरा वीडियो टाइमली नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।